जय शंकर जी, जय श्री राम, सीताराम, हर हर महादेव। जो घी की धार से भगवान का अभिषेक करते हैं उनका वंश चंद्रमा की तरह बढ़ता है। पर आप कहोगे कि आपने पहले दूध को बताया था, तो वर्णन किया गया है कि यदि भगवान महादेव को आप दूध से स्नान कराते हैं तो जो आपसे ही परिवार बढ़ रहा है, आपका पोती है, आपका बेटा है, आपसे ही वंश बढ़ रहा है, आपसे ही पैदा हुए हैं, चाहे आप पिता हों चाहे आप माँ हों, आपके माध्यम से जन्म लेने वाले बच्चे उनका वंश बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। ये दूध की धारा महादेव को समर्पित करने से होता है, लेकिन जो घी की धारा से महादेव को स्नान कराते हैं उसके द्वारा आपके बच्चों की वंश वृद्धि तो होगी ही। आपका देवर है, देवरानी है, जेठ है, जिठानी है, पीहर में आपका भाई है या आपकी ननंद है, यानी आपका संबंध जितने लोगों से जुड़ा है आपके द्वारा किए गए घी के अभिषेक से आपसे जुड़ी हुई वंश का विस्तार होता ही चला जाएगा। इतनी बड़ी महिमा है घी की धारा से महादेव को स्नान कराने पर। हर हर महादेव।